नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज के इस इवनिंग बुलेटिन में। और चर्चा करेंगे राजनीति की, और राजनीति में सबसे पहले हरियाणा की और उसके बाद सिरसा की चर्चा होगी। और हरियाणा की अगर बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी की टिकटों का अनाउंस होना था, लेकिन वो नहीं हो पाया है। ऐसे में आज दिल्ली के अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह, मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और उनके अलावा हरियाणा के बीजेपी प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो सभी मीटिंग में शामिल हैं और वो फैसला लेंगे। वहीं हम बता दें कि आगामी 2 दिन में भारतीय जनता पार्टी की टिकटों का पहली जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी। और बड़ी बात आज की ये रही कि संजय भाटिया, जो कि पूर्व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा बात करें देवेंद्र बबली की, तो देवेंद्र बबली जो पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी की टिकट की लाइन में खड़े थे, लेकिन अब उनको कांग्रेस ने इग्नोर कर दिया, तो उसके बाद आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। लेकिन इनके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया, उनका एक बयान आया है और उन्होंने कहा कि वो लगातार हमारे संपर्क में थे, लेकिन उनका जो किसानों का की तरफ से विरोध किया जा रहा था, वही सरपंच एसोसिएशन ने भी चेतावनी दे रखी थी कि अगर कांग्रेस में देवेंद्र बबली को शामिल किया गया तो हम इसका विरोध करेंगे। वहीं दीपक बाबरिया ने बताया कि देवेंद्र बबली ने अपनी टिकट वो मांग रहे थे और वो कह रहे थे कि उन्होंने कुमारी सैलजा की पिछले लोकसभा चुनाव में मदद की है, तो इस आधार पर वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनका जो फीडबैक है वो काफ़ी ख़राब था, उसकी वजह से उन्हें टिकट नहीं दी गई। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि देवेंद्र बबली की पहली च्वाइस कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन उनको जब टिकट नहीं दिया गया, यानी कि उन्होंने आश्वासन उनको नहीं मिला, तो उसके बाद अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद क्या कुछ स्थिति रहती है, उनको टिकट मिलता है नहीं मिलता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि देवेंद्र बबली की कांग्रेस में दाल नहीं गली है। अब बात कर लेते हैं इनेलो की, तो इनेलो की तरफ से कल एक लिस्ट, दूसरी लिस्ट अपनी कैंडिडेटों की, 7 कैंडिडेटों की लिस्ट जारी की है, जिसके अंदर कलायत से रामपाल माजरा, जो कि इनेलो के प्रभारी प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, उनको कलायत से चुनाव मैदान में उतारा गया है। शेर सिंह बड़छामी, जिन्होंने चौटाला साहब के साथ जेल काटी थी, वो लाडवा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। अर्जुन चौटाला को रानिया से, हालांकि ये चर्चा पहले से ही थी कि रानिया से उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है और उनको अब आधिकारिक तौर पर उनको यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया है। उमेद लोहान को नारनौंद, शिला रानी बहादुरगढ़ से, शिला रानी राठी बहादुरगढ़ से, नफे सिंह राठी जिनका मर्डर हो गया था कुछ महीने पहले, तो उनको, उनकी पत्नी है शिला, उनको इनेलो की तरफ से बहादुरगढ़ से प्रत्याशी बनाया गया है। और हथीन से तैयब हुसैन को प्रत्याशी बनाया गया है। तैयब हुसैन पर रेप का, एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का एक मामला उन पर दर्ज है, अभी भी वो केस चल रहा है। उसके अलावा गुरतेज सिंह, मास्टर गुरतेज सिंह है, उनको कालांवाली से प्रत्याशी बनाया गया है। इससे पहले इनेलो की तरफ से 4 प्रत्याशी पहले से निर्धारित किए जा चुके हैं और अब ये 7 और, यानी कि कुल इनेलो और बसपा के गठबंधन के 11 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। 1-2 दिन में और भी उनके जो प्रत्याशी है उनके नाम वो निर्धारित कर दिए जाएंगे। तो ये आज की इनेलो की तरफ से जो बड़ा एक कल शाम को, देर शाम को ये ऐलान किया गया था। अब बात कर लेते हैं जेजेपी की, तो जेजेपी की एक आज मीटिंग थी, प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी और उसके अंदर अभी आज देर रात को संभावना जताई जा रही है कि जेजेपी की पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें टिकटों की, तो कल उनकी पहली लिस्ट आ सकती है, ऐसी प्रबल संभावना नजर आ रही है। उनके जो पदाधिकारी हैं उनकी मीटिंग चल रही है लगातार, तो ऐसे में उनकी जो है ये इस तरह से पहली लिस्ट जारी कल हो सकती है।
तो ये है हरियाणा सत्र के घटनाक्रम और अब बात कर लेते हैं सिरसा की। तो सिरसा में आज गोपाल कांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि सिरसा का औद्योगिक पिछड़ापन बढ़ती हुई बेरोजगारी का मुख्य कारण है। इसके अलावा उन्होंने नशे पर बात की है और युवाओं के बेरोजगारी और इस तरह के तमाम वो मुद्दों पर चर्चा की है। हालांकि बता दें कि उन्होंने ये मुद्दे उठाए हैं लेकिन पिछले 5 साल में वो विधायक थे और भारतीय जनता पार्टी को उनका समर्थन था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में थी, लेकिन बावजूद इसके ये विकास कार्य इतने नहीं हो पाए हैं, ये आज खुद गोपाल कांडा ने कहा है। अब गोपाल कांडा ने कल जिस तरह से उनकी यहाँ पर एंट्री हुई थी सिरसा के अंदर, काफ़ी संख्या में उनके समर्थक थे, उनका स्वागत किया था और अब वो चुनाव मैदान में प्रत्यक्ष तौर पर वो उतर चुके हैं और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब रूटीन में उनके कार्यक्रम रहेंगे सिरसा विधानसभा क्षेत्र के। वहीं उन्होंने एक बड़ी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोली है कि उनका एनडीए के साथ गठबंधन है और सिरसा के आसपास की कई सीटों पर हलोपा के प्रत्याशी उतारे जाएंगे। एनडीए के अलायंस उनके साथ है, उसके तहत बीजेपी और हलोपा के जो गठबंधन है उसमें यहाँ सिरसा के आसपास की कई सीटों पर हलोपा के प्रत्याशी एक दो दिन के अंदर निर्धारित कर दिए जाएंगे। तो ये आज का एक बड़ा घटनाक्रम हम कह सकते हैं। और जिस तरह से गोपाल कांडा ने ये बात बोली है कि कई प्रत्याशी यहाँ पर सिरसा के आसपास के उतारे जा सकते हैं, तो इससे एक बड़ी बात यह है कि चौधरी रणजीत सिंह जो कि कांग्रेस के अभी संपर्क में बताए जा रहे हैं लेकिन उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर मंत्री हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लोकसभा चुनाव हिसार से वो चुनाव लड़ चुके हैं। अब वो कौन रानिया से अपनी टिकट मांग रहे थे लेकिन आज का ये जो बयान है उसके बाद में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रानिया से भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। हालांकि ये आधिकारिक पुष्टि नहीं है, एक दो दिन में जैसे ही उनकी लिस्ट जारी होती है तब ये पुष्टि हो जाएगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे आज के जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है गोपाल कांडा की, इससे कहीं ना कहीं चौधरी रणजीत सिंह को टेंशन और समस्या हो सकती है। अब बात कर लेते हैं डवाली की। तो डवाली के अंदर आज अमित सिहाग के मसीदा सहित कई गांव के अंदर कार्यक्रम थे, कई दूसरी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है उन्होंने। यहां बता दें कि अमित सिहाग लगातार जनसंपर्क में है, लोगों के बीच में जा रहे हैं। दूसरी जो और जगह के जो कैंडिडेट अपने आप को मानते हैं, जिसमें चाहे बात हो रानिया की हो, चाहे बात हो सिरसा की या फिर बात की जाए यहाँ एलनाबाद की, तो कांग्रेस के जो भी टिकटार्थी है वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं लेकिन यहाँ पर अमित सिहाग वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, उनको अपनी टिकट जो है वो पक्की मान रहे हैं और जीत के को भी अब वो सुनिश्चित मानकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो ये आज के मुख्य घटनाक्रम थे। इसके अलावा सिरसा विधानसभा से आनंद बयानी कांग्रेस की टिकट की लाइन में है और उन्होंने आज एक अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि वो हुड्डा और कुमारी सैलजा के संपर्क में थे, वहाँ से दिल्ली से आज आए हैं और उन्हें आश्वासन मिला है कि उनको टिकट दी जाएगी और उन्होंने कहा है कि वो प्रबल दावेदारी भी जताते हैं क्योंकि पिछले 42 साल से कांग्रेस पार्टी की वो सेवा कर रहे हैं और इस वजह से कांग्रेस पार्टी उन्हें अपना प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं गोकुल सेतिया की। गोकुल सेतिया आज भी अपने हलके में नहीं है, दिल्ली में है, लेकिन जिस तरह से देवेंद्र बबली को इग्नोर किया गया है शायद इस तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू हो चुकी है कि गोकुल सेतिया की भी टिकट कांग्रेस पार्टी उनको अपना वो प्रत्याशी नहीं बनाएगी, ऐसी संभावना नजर आ रही है क्योंकि पिछले 5-6 दिन से गोकुल सेतिया जनसंपर्क में नहीं है, दिल्ली में है, लेकिन जिस तरह से देवेंद्र बबली को इग्नोर किया गया उस तरह से गोकुल सेतिया को भी इग्नोर किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास वो कर रहे हैं और पंजाब के रास्ते वो टिकट लेकर आने का उनका एक प्रयास है। राजा वड़िंग जो कि पंजाब में सांसद हैं और
वो कद्दावर नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनके माध्यम से वो टिकट की लाइन में है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से टिकट की यस कर दी गई है, लेकिन अब वो हाईकमान के संपर्क में पिछले 5-6 दिन से है। लेकिन आज का जो घटनाक्रम, जिस तरह से देवेंद्र बबली को टिकट नहीं दी गई और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, तो उससे प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पर गोकुल सेतिया को भी इस तरह का झटका लग सकता है। तो ये बड़े मुख्य आज के घटनाक्रम थे। इसके अलावा बात करते हैं अर्जुन चौटाला की। लगातार वो कल उनका अनाउंस हुआ है आधिकारिक तौर पर पार्टी की तरफ से कि उनको कैंडिडेट बनाया गया है, लेकिन वो पिछले 10 दिन से अर्जुन चौटाला अपने हलके के अंदर जा रहे हैं और आगामी 2-3 दिन तक भी उनके कार्यक्रम रहेंगे। तो कल के जो कार्यक्रम है अर्जुन चौटाला के, वो बम्बूर गांव से शुरू होंगे। उसके बाद मंगाला, डानी कान सिंह, टिट्टू खेड़ा, नानकपुर, चकेरियाँ, चक साहिबा, ढाणी प्रताप सिंह, गिदड़ावाली, मोजदीन और रानिया शहर के अंदर उनका जनसंपर्क रहेगा। इन गांव के अंदर वो जाएंगे। इसके अलावा परसों और आगे 3-4 दिन तक लगातार उनके इस तरह के कार्यक्रम हैं। तो ये आज के बड़े घटनाक्रम है, मुख्य तौर पर जो आज के अपडेट है, राजनीतिक अपडेट, वो हमने बताई है। इसके अलावा और भी अगर आपको लगता है कि कुछ और हमसे छूट गए हैं बड़ा घटनाक्रम, तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा आज का ये जो कार्यक्रम है, राजनीति से रिलेटेड जो हमारा डेली का जो बुलेटिन है, वो किस तरह से लगता है? अगर आपको वाकई में लगता है कि हम बढ़िया जानकारी दे रहे हैं, तो हमारा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। वहीं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।